नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले में नई खलीलाबाद से बहराइच वाया बासी डुमरियागंज नई रेलवे लाइन के निर्माण का प्रथम चरण जिले के खेसरा के पिपरा गांव में भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल के सुपुत्र एवं प्रतिनिधि अभिषेक पाल शामिल हुए। इस कार्यक्रम में रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं क्षेत्रीय समाज सेवी भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पूरे विधि विधान एवं पूजा पाठ के साथ की गई, जिसमें मुख्य अतिथि अभिषेक पाल द्वारा पूजा करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बता दें कि इस बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन को लेकर बड़े आंदोलन क्षेत्रीय लोगों ने किए। इसके अलावा जिले के सांसद ने रेलवे लाइन को पास करवाकर क्षेत्रीय जनता को एक बड़ा उपहार दिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रेल लाओ संघर्ष समिति 2004 से संघर्ष किया है, जिसका सांसद जगदम्बिका पाल के प्रयास से इसकी स्वीकृति हुई। आज क्षेत्रवासियों के चेहरे पर मुस्कान आई। रेल लाइन से क्षेत्र का विकास होगा। खलीलाबाद से बहराइच 254 किलोमीटर के कार्य योजना में प्रथम फेज में 54 किलोमीटर पर कार्य होना है। खेसरा रेलवे स्टेशन से बासी रेलवे स्टेशन 11 किलोमीटर का शिलान्यास खेसरा ब्लॉक के पिपरा गांव में हुआ है। रिपोर्ट देखिए असदुल्ला सिद्दीकी के साथ। हाँ, इसी क्रम में हम लोग के बीच श्री अनिल त्रिपाठी, हम चाहे इससे लोगों को कितना फायदा होगा, कितने दूरी तक बनाया जा रहा है? देखिए, ये पूरी रेलवे लाइन जो स्वीकृत है वो 200 किलोमीटर से ऊपर है, जो कि 240 किलोमीटर लगभग, जो कि आपकी खलीलाबाद से लेके बहराइच तक जाए। मगर आज जो कार्यक्रम हुआ है और जो पैच जो बनने जा रहा है वो बस्ता से लेकर के, जिसको बस्ता जो खेसरा रेलवे स्टेशन, जिसको हम खेसरा रेलवे स्टेशन के नाम से जानेंगे, बस्ता से लेकर के बांसी रेलवे स्टेशन तक का काम होगा। ये 18 किलोमीटर का पैच है जिसपे काम शुरू हो रहा है। और अभी जानकारी मिली है कि एक पैच और जो खलीलाबाद से आगे लगभग 12 या 8 से 12 किलोमीटर का एक और पैच है, वो भी स्वीकृत हो गया, उसका भी काम शुरू होगा। और पहले फेज में जो इनकी प्लानिंग है, पहले फेज में ये खलीलाबाद से बांसी तक का काम पूरा करेगा। कब तक पूरा हो पाएगा? कब तक पूरा हो जाएगा? अब उम्मीद तो है कि जिस रफ्तार से इस प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ ला पाए थे, उसी रफ्तार से हम इस कार्यक्रम को पूरा, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी करवाएंगे।